और सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े फैसले को लेकर, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिज बिहारी प्रसाद को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। उनके हत्याकांड को लेकर मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें, ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी विधायक मुकेश यादव ने कहा कि न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है, लेकिन बाकी सबको छोड़ मुन्ना शुक्ला को सजा सुनाई गई। कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने आरजेडी विधायक के बयान से किनारा कर लिया। तो वहीं मंत्री शीला मंडल ने कहा कि वे न्यायिक प्रक्रिया का मामला है। तो वहीं मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने 26 साल पर भी तो न्याय करके दिखाए ना। वो न्याय हमें नहीं मिला, आम जनता को मिली है। और जो सजा मिला है उसको, वो समझिए कि एक तरह से पूरा मेरा घर बर्बाद हो गया, सब कुछ लूट लिया। वो सजा से हमको उपलब्धि क्या मिलेगी? मैं तो आज भी जनता की सेवा करती हूँ, कल भी करूँगी। और वो साक्ष्य के अभाव में जो बच गया है उसको माँ भगवती नहीं छोड़ेंगी, या उसका केस अब बहुत है। सजा तो मिलेंगी, या किसी का बेटा चला गया, किसी का कुछ चला गया, चला तो जाएगा, वो सजा तो मिलता ही है। न्यायालय का फैसला है, न्यायालय के फैसला सर्वोपरि है, लेकिन जो जस्टिस होता है मुन्ना शुक्ला जी के खिलाफ में और लोग थे, तब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन हम जरूर न्यायालय में जो बैठे लोग हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, जो आप फैसला, जैसे पंच में भी पंच परमेश्वर होता है, उसी ढंग से न्यायालय में भी लोग हैं, उनको रहना चाहिए। ऐसे न्यायालय के जो सम्मान, जो फैसला है, उसको हम सम्मान करते हैं। देखिए, इस संदर्भ में हम लोगों को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हाईकोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबको मानना ही है। जब कानून व्यवस्था में हम लोग विश्वास करते हैं, तो जो कानून का फैसला होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, उसको हम लोग मानने के लिए विवश हैं। आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं सर कि जो भूमिका होनी चाहिए हाईकोर्ट की, वो पंच परमेश्वर जैसी भूमिका होनी चाहिए, एक को सजा बाकी को छोड़ देना। अब किस संदर्भ में, किस कानून के तहत हाईकोर्ट ने फैसला लिया, ये बगैर अध्ययन किए हुए हाईकोर्ट के बारे में टिप्पणी करने का हमारे जैसे कार्यकर्ता को अधिकार नहीं है। देखिए, इस तरह इसमें हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, ये माननीय न्यायालय का मामला है, तो न्यायालय ही इसमें ही करेंगे, तो उनके आदेश का तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ नहीं बोल सकते, ये सब हम लोग नहीं जानते। न्यायालय का मामला को न्यायालय पर ही छोड़ दीजिए, ठीक है, वो क्या बोलते हैं उस पर नहीं सोचना है, उनका बात है अपना। लेकिन सब लोग को पता है कि पहले और अब में क्या फर्क है, बिहार की जनता को इस फर्क को समझता है सब। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है, और जो उच्चतम न्यायालय का फैसला है उसको सभी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि न्यायालय का फैसला ही जो है सर्वोपरि होता है, और वो सर्वोच्च संस्था है, तो वहाँ का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट का, वो न्यायिक व्यवस्था का फैसला है, उस पर कोई टीका टिप्पणी देना उचित नहीं है, लेकिन न्यायालय का फैसला हर वक्त स्वागत योग्य हो। तो रमा देवी के साथ ही आपने तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी। कई ने इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर, तो कुछ ने इस पर उंगली भी उठाई इशारों ही इशारों में। चलिए, इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा हो गई है, कई ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है कि मुकेश यादव जो आरजेडी के विधायक है, जिस तरह उन्होंने कहा कि बाकी सबको छोड़ मुन्ना शुक्ला को सजा सुनाई गई है, क्या कहना चाहते हैं वो? नहीं, इतना ही नहीं, इससे आगे आप जाएंगे तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनको पंच परमेश्वर की भूमिका में होनी चाहिए, यानी उनके लिए सभी एक समान होने चाहिए। इशारों इशारों में बहुत कुछ उनका कहना था। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रमा देवी, उन्होंने भी संतुष्टि जाहिर नहीं की है। उनका कहना है कि ठीक है, बाकी सब जो बचे हैं उनका फैसला ऊपर वाले करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 26 साल बाद ये फाइनल डिसीजन आया, आखिरी फैसला आया। 98 में ये घटना हुई थी और 2014 में हाईकोर्ट की तरफ से सबको बरी कर दिया गया था, जिसके बाद रमा देवी और सीबीआई की तरफ से अपील की गई थी सुप्रीम कोर्ट में।
फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का जो फैसला आया था, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आया है। स्वाभाविक तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाकी सबको छोड़कर छः जो आरोपी थे उन्हें मुक्त कर दिया गया है इस पूरे केस से, लेकिन दो मंटू तिवारी को और मुन्ना शुक्ला को इसमें सजा बरकरार रखी गई है आजीवन। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मुन्ना शुक्ला ने ज्वाइन किया, आरजेडी ज्वाइन किया, चुनाव भी लड़ा, वो हार गए चुनाव। तो आरजेडी ये सोचती है कि कहीं ना कहीं आरजेडी से जुड़े होने के कारण उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, जबकि बाकी जो आरोपी थे वो आरजेडी से जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए वो बेदाग निकल गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और चूंकि स्वाभाविक तौर पर जब कोर्ट की बारी आती है या न्यायिक फैसला होता है तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं होती है, उनका फैसला सर्वोपरि होता है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए इसमें कोई हस्तक्षेप की बात नहीं है। लेकिन रमा देवी भी संतुष्ट नहीं है इस फैसले से, क्योंकि उन्होंने अपील भी की थी जो हाईकोर्ट में मामला सामने आया था, और ये आप चलेंगे तो ये काफ़ी पुरानी अदालत है, 1994 की घटना है, जब 1994 में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी और उसमें नाम आया था बृज बिहारी प्रसाद का, और उसके बाद ये रंजिश चलती रही, मुन्ना शुक्ला उनके भाई हैं, और बाद में 1998 में बृज बिहारी प्रसाद की हत्या हो गई, उनके साथ साथ IGMS में चूंकि उनका इलाज चल रहा था, तीन बॉडीगार्ड की भी हत्या हुई थी, एक और जो उनका सिक्योरिटी गार्ड था उसकी भी हत्या हुई थी, तो लगभग चार और पाँच लोगों की हत्या हुई थी, और उसके बाद से ही केस चला रहा था। तो ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का मामला दिखता है, चूँकि उस वक्त बृज बिहारी प्रसाद एक निचले तबके के ग्रुप को लीड करते थे, और ये माना जाता था कि उस समय बृज बिहारी प्रसाद जो है वो आवाज़ बने हुए हैं पिछड़े तबके की, और यही वजह है कि उनकी अपनी चलती भी थी, और उस पर बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति आई, और जो छोटन शुक्ला थे वो फॉरवर्ड की राजनीति कर रहे थे, उनकी हत्या हुई, नाम आया बृज बिहारी प्रसाद का, और फिर इस तरह से केस चलता रहा। तो फिलहाल जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, इस फैसले को लेकर के आरजेडी में अंदर ही अंदर खाने असंतोष की भावना है, और रमा देवी भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन जो सत्ता पक्ष है, रूलिंग पार्टी है, उनका मंत्री आपने सुना शीला कुमारी का है कि ये न्यायिक फैसला है, इसमें हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस ने भी पल्ला झाड़ लिया कि ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आरजेडी असंतुष्ट है और रमा देवी भी असंतुष्ट है, वो और कुछ चाहती थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के बाद आगे आप कहीं जा नहीं सकते हैं। तो अब जो फैसला आया है उसके आधार पर सबको अपने अपने लोग व्यक्तिगत विचार जरूर रख रहे हैं, लेकिन ये फाइनली 26 साल के बाद ये फाइनली नतीजा आ चुका है बृज बिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले। आशुतोष जी, खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, और इस फैसले पर अगर कोई टिप्पणी कर सकता है, कोई बोल सकता है, तो सिर्फ पीड़ित पक्ष ही बोल सकता है। जो रमा देवी ने कहा, शायद उनके साथ हमदर्दी हो, लेकिन जिस तरह से मुन्ना शुक्ला को लेकर आरजेडी ने जो बयान दिया है, ये हमदर्दी है। ये हमदर्दी इसलिए कि कुछ समय पहले ही मुन्ना शुक्ला ने आरजेडी ज्वाइन किया था, और उन्हें लगता था कि शायद मुन्ना शुक्ला बिहार में आरजेडी को ऊपर तक ले जा सकते हैं, एक बार फिर से तारनहार बन सकते हैं बिहार में, बिहार की सियासत के लिए।